आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कोरोना को लेकर आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की अगुवाई में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव, कांग्रेस के पदयात्रा में हुए थे शामिल। चौदहवें दौर की बैठक में भारत का देपसांग डेम चौक के मुद्दे को हल करने पर जोर, कहा टकराव वाली जगह से पीछे हटे चीन। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में मिले 38 नए कोरोना के मरीज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरा। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। लखनऊ में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और लगातार बीते दो दिनों से राजधानी लखनऊ में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जिसको देखते हुए राजधानी लखनऊ के दो बड़े हॉस्पिटल लोकबंधु और बलरामपुर हॉस्पिटल को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए दोनों हॉस्पिटल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल संख्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बस ईश्वर को धन्यवाद ये है कि माइल्ड केस है, सिम्टम बहुत हल्के हैं, काफ़ी लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमको लोकबंधु अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया था, उसी के क्रम में हम लोगों ने 20 बेड जो है वो पहले ही आइसोलेशन में बना दिया है। उसमें दो या तीन मरीज हमारे पास इस समय भर्ती हैं और बाकी हमारा नॉन कोविड काम हो रहा है, तो जन नॉर्मल ऑपरेशन और इमरजेंसी ये सब चल रही है। शासन की ओर से जैसे ही हमें निर्देश मिलेगा तो हम अगली कार्रवाई इसमें करेंगे। हमारे पास 200 बेड तैयार है, जिसमें 30 बेड का आईसीयू है, ऑक्सीजन का जंबो सिलेंडर और हमारे पास पीएसए 960 एलपीएम का और ट्रेंड स्टाफ, वो सारे लोग हैं हमारे पास। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीमों की जो है वो अलर्ट मोड पर आ गए हैं, उनकी परेशानी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से कोरोना के मामले हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 7,500 सक्रिय मरीजों की संख्या इस वक्त है, और अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगभग 3,500 से ऊपर कोविड के सक्रिय मरीज़ हैं इस वक्त। और जैसा कि जो नया वेरियंट है कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन, इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश में जो सक्रिय मरीजों की संख्या है वो ओमिक्रॉन के जो पेशेंट हैं वो लगभग 275 पेशेंट हैं, और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो लगभग 118 पेशेंट जो हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। इसको लेकर जिला लखनऊ के जिला अस्पतालों में भी तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है यहां पर जो बेड की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में, जहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो चिकित्सा अधीक्षक हैं अजय शंकर त्रिपाठी, उनका साफ तौर से ये कहना है कि यहाँ पर जो 20 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है, और इसके अलावा भी अभी फिलहाल ओपीडी चालू है, किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया है, और आदेश आने के बाद ये वैसे भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, और इसके बाद अगर सरकार की तरफ से आदेश आता है, अभी फिलहाल स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी है, जो पेशेंट हैं वो इतने ज़्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं, और अगर फिलहाल स्थिति बिगड़ती है तो ये 200 बेडों का जो हॉस्पिटल है ये पूरा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, तो ये कोरोना में पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, तमाम जो दावे हैं ये जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों द्वारा किए जा रहे हैं ये कितने सही साबित होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लखनऊ से अजहर खान। अलीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तहसील इगलास के विद्युत उपकेंद्र पर मीटर रीडरों ने 4 महीने से वेतन न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की है। मीटर रीडरों का कहना है कि एक्सीएन के द्वारा पहले भी उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबे अंतराल के बाद आज तक उन्हें वेतन नहीं मिला। उनके द्वारा हड़ताल की चेतावनी देते हुए वेतन वृद्धि और वेतन देने की मांग की गई है, और उन्होंने कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उनके द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार विद्युत विभाग के आला अधिकारी होंगे।
एक्शनों पे आप लोगों किस तरह का धंधा चल रहा है? सर हमें पिछले चार महीने से कोई भी वेतन में एक पैसा भी नहीं मिला है और पिछली कंपनी में हमें 1350 का टारगेट था, अब 1850 का कर दिया है और उसके अलावा 400 बिल हमें जमा करने हर मंथ, इसका भी हमें दबाव दिया जा रहा है। वॉलेट रिचार्ज करने का दबाव दिया जा रहा है, जबकि हमें वेतन नहीं मिला है तो वॉलेट रिचार्ज कहाँ से कराएं। इसके अलावा मंथली 2500 रुपये की पेट्रोल भी खर्चा हो जाता है, तो इसमें हमें आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसका ज्ञापन हम एक्सचेंज साहब को और एसडीओ साहब को देने आए, जिससे हमारे समस्याओं का निवारण। लगभग कितने लोग हैं जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 35 लोग हैं। इसको लेकर एक्सचेंज साहब से बात हो पाई? पहले हमने बताया था एक्सचेंज साहब को, तो 11 तारीख का हमें अल्टीमेटम दिया गया था कि 11 तारीख तक आपका सैलरी का भुगतान। हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला अलीगढ़ से तहसील इंदास के विरुद्ध उत्पन्न का है, जहां पर मीटिंग मीटिंग वालों को चार महीने से सैलरी ना मिलने से नाराजगी व्यक्त की है और उनके द्वारा लगातार वेतन ना मिलने से उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, तो जब ये मांग करी गई है, वेतन की मांग करी गई है और ज्ञापन भी सौंप दिया है, इसके बाद अधिकारियों का क्या कहना है? क्या वो जल्द से जल्द वेतन देने के लिए राजी हो गए हैं? एक्सीए के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हड़ताल पर जा सकते हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उनकी मांग पूरी करने का बताया जा रहा है कि मांग पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे अलीगढ़ से। वही अब खबर औरैया से है, जहां एक बच्ची का चूरन खाने से मुंह घायल हो गया है। जी हां, पूरा मामला यह है कि जिले के थाना क्षेत्र फफूंद क्षेत्र के ग्राम जुआ निवासी अवधेश कठेरिया की 10 साल की पुत्री कोमल पड़ोस में स्थित एक किराने की दुकान पर खाने के लिए चूरन का पैकेट लेने गई थी और पैकेट लेकर वो घर आई, जहां पर उसने उस पैकेट के अंदर से निकला हुआ चूरन के गोले को जैसे ही मुंह में दबाया वैसे ही उसके मुंह के अंदर विस्फोट हो गया, जिससे उसका मुंह का कुछ हिस्सा फट गया और वो घायल हो गई। बच्ची के परिजन सैफई से उसका इलाज करवाया और बच्ची के पिता अवधेश कुमार ने चूरन दुकानदार वीरू के विरुद्ध थाने में तहरीर दे दी है। तो वही खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों ने दुकान सीज कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। चूरन खाने से बच्ची का मुंह घायल हो गया है, जिसके बाद दुकानदार के खिलाफ तहरीर दे दी गई है और खाद्य अधिकारियों ने दुकान को सीज कर दिया है और साथ ही कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। तो औरैया से ये खबर सामने आई है, जहां 10 साल की बच्ची का मुंह घायल हो गया है और इस खबर पे हम हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं औरैया से। जाहिद, ये चूरन क्या पैकेट सील था या खुला चूरन था? और जिस तरह से कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है, तो क्या सिर्फ दुकानदार पे कार्रवाई होगी या फिर जिस कंपनी द्वारा ये बनाया गया उसमें भी कार्रवाई की जाएगी? जी मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में खाने से अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पर दुकान को भी सीज किया गया है और शहर में जहां जहां चूरन ये आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग से उसकी भी तलाश की जा रही है। जी जाहिद, क्या ये पहला मामला है जिले में जो चूरन की वजह से इस तरह का हादसा हुआ है या कोई और खबर भी सामने आई है अभी तक? नहीं, ये पहला मामला है। ये छोटा सा बच्चा है जो परचून की दुकान से जाते चूरन ले आता है, उसके बाद वो घर पर आकर चूरन जब खाता है उसके मुंह में किसी कारणों से मुंह में ब्लास्ट हो जाता है। उसको आनंद फार्म उसके परिजन उसको चिकित्सालय पर भर्ती कराते हैं, यहाँ डॉक्टर उसको सैफे के लिए रेफर कर देते हैं। जी, डॉक्टरों द्वारा क्या बताया जा रहा है जाहिद, क्या ये चूरन की वजह से हुआ है या फिर कुछ और बच्ची ने खा लिया चूरन के नाम पे? डॉक्टरों का कहना ये है कि जांच की रिपोर्ट आने पर ही कुछ बात कह सकते हैं हम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जाहिद जुड़े थे और औरैया से हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे। अब आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा। आज वो मीडिया में खबर सर्कुलेट हुई थी कि खाद्य पदार्थ चूरी के सेवन से एक बालिका घायल हो गई है। जुआ गांव फफूंद का प्रकरण था, उस पर खाद्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग में जाकर के पहले बच्ची के यहाँ से मुलाकात की, उसकी हालचाल लिया, उसके बाद जाकर के जिस दुकान से उसने सामान लिया उस दुकान की जाँच पड़ताल की गई है।
लाइसेंस ना मिलने के कारण उसका भी दुकान सीज किया गया, जिस जहाँ से वो सामान लाया था बलराम की दुकान से, उसकी दुकान में भी मिसब्रांडेड सामान पाए जाने के कारण नमूना लेते हुए दुकान सीज की गई है। साथ ही में औरैया में जिन होलसेल की दुकानों से सप्लाई हो रहा है वहाँ का भी सीजर किया गया है, नमूना लिया गया है। और मेरी सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील है कि कृपया ऐसे मिसब्रांडेड सामान ना खरीदें जिनमें बच्चों के खिलौने अंदर दिए होते हैं, जिससे किसी तरह का कोई बच्चे के जीवन पर कोई संकट आ सके। इनका ध्यान रखें और अच्छा सामान रखें, FSSAI का लाइसेंस देखकर ही सामान खरीदें। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के एक गांव में एक नव विवाहित को दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल वालों ने युवती को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मृतक महिला के पिता ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना टप्पल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घरबरा में सूचना मिली है कि एक महिला द्वारा जो है उसके पति और ससुराली जन द्वारा मार दिया गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कर ली गई है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमें तो ये डाउट होता है कि मार दी गई है लड़की, क्योंकि कई बार हमारी लड़की के साथ घर में मारपीट की है, उसके जेठ ने, ससुर ने, खुद लड़के ने, सास ने, इन्होंने मारपीट भी की है लड़की के साथ। और जब जब बोले हैं तब चैन के लिए बोलते रहे कि हमें चैन दो, सोने की चैन दो हमें। अब चैन देने के लिए हमारे भाई ने आश्वासन दिया, क्या किया उन्हें मालूम। खबर और आइया से है, जो सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर इंगुठिया में एक मजदूर का घर शॉर्ट सर्किट के चलते जलकर खाक हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही पूर्व सांसद प्रदीप यादव और सपा के जिला उपाध्यक्ष अवधेश भदौरिया पीड़ित मजदूर के घर पहुंचे। साथ ही उन्होंने मजदूर की मदद के लिए प्रशासन से मदद की बात कही है। जी, क्या हुआ आज आपके घर में? घर में जो हमारे इधर तो मंजूरी करके, हाँ, तो इधर लाइट लगी, हाँ, आग लगी तो इधर फिर हमने सूचना करी फायर ब्रिगेडर को, तो फिर वो 2 घंटे बाद आई और फिर 112 नंबर पर डायल किया, जब वो लोग साहब आए। आप लोगों ने आग पर कैसे काबू पाया, कैसे आग बुझाई? आग तो गांव के लोगों ने मतलब बुझाई समरों से। अभी तक क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो फ्रिज जल गया, कूलर, वॉशिंग मशीन थी और पंखा, टीवी और मतलब और सामान मशीन थी, बेड एड और गल्ला रखा था 10 क्विंटल के ऊपर ही था। ये पैसे मजबूरी के हमारी मतलब चिट्ठा मिला था, उन कटिया साहब के काम पे करते हम, 20,000 रुपए रखे थे फ्रिज के ऊपर। खबर बांदा से है, जहां शहर कोतवाली अंतर्गत केन नदी पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान की, जिसके बाद युवक पुलिस ने घटना की जानकारी दी और मृतक के परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस मामले पर CO ने कहा कि ये मामला आत्महत्या का लग रहा है, फिर भी पोस्टमार्टम के बाद ही मामले पर कोई कार्रवाई की जाएगी। ये सोनू गुप्ता निवासी खोठला नामक युवक है, 23 वर्ष का। इसके यहाँ पुल के नीचे जो है 3रे खंभे के पास डेड बॉडी मिली है और इसके कमर पे और कंधे, बाएं कंधे पर, बाएं हाथ टूट गया है, कमर पे या पीठ पे इसके पत्थर से घिसटने के भी निशान हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इसके द्वारा जो है ऊपर से गिरने से या कूदने से इसकी मृत्यु हुई है। फिर भी उसका कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम। बस्ती सदर कोतवाली के पचपेढ़िया में दिन दहाड़े असलहे के दम पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने प्राइवेट कंपनी RCMS के कलेक्शन एजेंट से करीब 1.5 लाख की लूट को अंजाम दिया और इस मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंचे IG CCTV फुटेज खंगालने में जुट गए, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया है। आज 12 जनवरी की दोपहर 2 बजे थाना कोतवाली के पचपड़िया मार्ग पर एक कंपनी के कलेक्शन एजेंट राहुल सिंह जब कंपनी से
सामान नगद लेकर के बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे, तब उनको रास्ते में तीन लोगों ने रोक करके उनसे असलाह दिखा करके उनके पास जो कैश था 1,65,000 वो लूट लिया। उनकी राहुल सिंह की तहरीर के आधार पर तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मैंने तीन टीम बनाई हैं जो इस समय अपनी जांच में लगी हुई हैं। शीघ्र ही इन अपराधियों को। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।